हसीना बानो नाम है मेरा, मैं MBR कॉलेज से हूँ, BA फर्स्ट ईयर से। और हिस्ट्री की क्लास चल रही थी हमारी, 150-200 बच्चे बैठे थे, तो टीचर ने बोला कि मतलब बहुत गौतम बुद्ध का टॉपिक चल रहा था, टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है आफ्ताब ने सरदा के 35 टुकड़े कर दिए और उनको रैम तक नहीं आई। मुस्लिम इतने बेरहम है कि उसने 35 टुकड़े करने के बाद भी उसको रैम तक नहीं आई। फिर ऐसे अचानक पूछ ले यहाँ पे मुस्लिम कौन है, मुस्लिम तो कोई नहीं है, तो किसी ने नहीं पूछा भाई कि हाँ यहाँ पे बैठी है मुस्लिम। फिर सर बोलना स्टार्ट हो गए, आपको पता है मुस्लिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हज का सवाब मिलेगा और दो को मारेंगे जन्नत मिलेगी, और यहाँ तक के फिर बोले ये हमको काफिर कहते हैं और ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और ये हमारे खिलाफ है, इनसे मतलब दूर रहो। यहाँ तक के फिर मैं वहाँ से उठ गई, बोले कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला आप सर कह कैसे रहो, ये चीज़ें टॉपिक के अंदर चल रही है क्या? तो बोले नहीं टॉपिक में नहीं चल रही, तो मैं आप कैसे कह रहे हो, तो कि कुरान में लिखा हुआ है। मैंने बोला कुरान में लिखा हुआ, मैं पढ़ी हुई, बताओ मुझे कहाँ को लिखा हुआ कुरान के अंदर, तो कि मैं लाके बताऊंगा कुरान में लिखा हुआ है। तो मैं वहाँ से निकल गई, जब मैं ऑफिस के अंदर जाके मैंने बताया तो वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया, बोले यहीं पे बात दबा दो और बात बाहर मत जाने दो। फिर जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मेरे को मुंह पे मेरे गेट बंद कर दिया, बोले इस लड़की को बाहर मत जाने दो, बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, इसको यहीं पे रखो और बात को यहीं खत्म कर दो। जितने में राजू चौधरी आया, राजू चौधरी ने बोला कि तू अगर थाने जा सकती है तो जा, थाने जाके दिखा, फिर हम तेरे साथ में क्या करते वो तू देख लेना, और तुम मैं खुद कहता हूँ कि तुम मुस्लिम हरामी हो, हराम जाते हो, सब मीट खाते हो और हरामी हो, और मोहम्मद पैगंबर साहब की नस्ल हो तुम, तो तुम कभी सही नहीं रह सकते। ऐसे करके फिर मैंने उसको बोला तू इतना मत बोल तू, और यहाँ पे मैं थाने जाऊँगी, फिर बाहर निकले तो बस मेरे को एक बार, तो मेरे को बोला जा बाहर जाके दिखा। ऐसे करके मेरे पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी उसने, फिर गाड़ी चढ़ाने के बाद में बोले लड़की को अंदर लो। कॉलेज के अंदर 2 घंटे मेरे को बैठा के रखा, बोले बाहर चली गई तो तेरे को पता ही हम इतने सारे लड़के और क्या करेंगे तेरे साथ में, मेरे को जबरदस्ती अंदर बंद करके रखा सारे लड़कों ने। फिर मैंने बाहर निकलने के लिए मैंने हाँ बोला, ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी बाहर जाके। फिर मैं जब बाहर आई तो सारे लड़के मेरे आसपास घूमते रहे कि अगर घर पे नहीं तू घर पे गई तो ठीक है, और थाने चली गई तो तेरे को पता ही हम तेरे पीछे ही आ रहे। फिर भी मैं डर के मारे मैं बाहर भी आई, मैंने टीचर को कॉल किया तो उन्होंने भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। फिर भी मैं घर पे आई, मैं घर पे अभी किसी को भी नहीं बताया। फिर मैंने जब घर पे बताया सारी सब चीज़ बताई, तो तालिब भाई ने मेरे से पूछा हुआ क्या सब बता तू। जब तालिब भाई ने फिर मेरे से पूछा और मीडिया के अंदर उस राजू चौधरी के वीडियो वायरल हो गए सारे, तब मैडम मेरे घर पे आई और मेरे घर पे आने के बाद में जबरदस्ती मेरे से रिपोर्ट तक लिखवा ली, बोले मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका एक्शन लूंगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने भी। 21 तारीख की बात थी, 27 तारीख को मैडम ने रिपोर्ट भी लिखाई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक भी। टीचर कौन था, टीचर का क्या नाम? पद्म सिंह। और क्लास किसकी चल रही थी? BA हिस्ट्री की। क्या कुछ मामला है? ये बालोतरा MBR कॉलेज की असीना जो BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वहाँ कॉलेज में हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और वहाँ के ही प्रोफेसर पद्म सिंह जी उनके द्वारा टॉपिक से बाहर जाते हुए इस्लाम के ऊपर, मोहम्मद साहब के ऊपर जातिवाद और एक भड़काऊ स्पीच देना कॉलेज के अंदर, जो कि एक विद्या का मंदिर है जहाँ विद्या से संबंध में बातें आप जो आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहे हो, आउट ऑफ कोर्स जाके बात कर रहे हो, ऐसी गलत बयानबाजी करते हो तो ये गलत है। उसके लिए ही 21 तारीख का मैटर था, आज 1 तारीख है। वहाँ पे जहाँ ये केस भी दर्ज करवाने गए वहाँ भी मैडम ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही उस चीज़ को लेके। आज हम SP साहब के पास आए हैं और यहाँ पे हम ज्ञापन देके हमारी न्याय की मांग करने हैं।